बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वेलकम टू माय चैनल। जी आज हम शेड पे गए हैं, जाते साथ ही हमने बर्तनों की धुलाई का आगाज़ कर दिया, क्योंकि आज इरादा है कि अपनी मुर्गियों को हम मल्टीविटामिन दें। तो मल्टीविटामिन देने के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि हम पहले पानी के बर्तन साफ़ करें। ये मुर्गियों के लिए ताकत का ख़जाना है साइमोस्ट्रेस, और ये 20 ग्राम के साशे में आता है। तो मुर्गियों के लिए जितने भी मल्टीविटामिन ज़रूरी होते हैं उनकी जिस्म की नशोनुमा के लिए, अंडों की अच्छी पैदावार के लिए और इन्हें सेहतमंद रखने के लिए, वो सारे ज़रूरी अज्जा इस साइमोस्ट्रेस में मौजूद है। ये हमने जी साफ पानी लिया, उसमें साइमोस्ट्रेस मिला दिया। ये अब हम अपनी मुर्गियों को पिलाएंगे, ये हमारी मुर्गियाँ पियेंगी और सेहतमंद रहेंगी, भागती दौड़ती रहेंगी और इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा अंडे देंगी। जो जो मेरे चैनल पर नए हैं, आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और हम ऐसी मज़ेदार फ़नी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालते रहते हैं। वीडियोस देखने के लिए लाजमी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि वक्त पर वो वीडियो नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो और आप वो वक्त सबसे पहले वो वीडियो देख सकें। ये देखें जी, मेरी मुर्गियों ने पानी पीना शुरू कर दिया है। चूज़ों को भी यही पानी हम पिलाते हैं, तो वो भी माशाल्लाह सेहतमंद हैं, कद कर रहे हैं, वज़न उनका बढ़ रहा है। और ये मल्टीविटामिन जो है, ये साशे सस्ता है और महंगे मल्टीविटामिन के मुकाबले में ही काम करता है। इसकी जो है क्वालिटी बहुत बेहतर है। परिंदों को बीमारी के बाद अगर कोई कमज़ोरी हो जाए, या वैसे उन्हें वीकनेस हो और उनका वज़न ना बढ़ रहा हो, या अंडों के छिलके कमज़ोर हों, अंडों की पैदावार कम हो जाए, तो ये एक अक्सीर का दर्जा रखता है और ये बहुत ही अच्छा मल्टीविटामिन है, ज़रूर दें।